नया ट्रैक्टर लेते वक्त टू व्हील ड्राइव लिया जाए या फिर फोर व्हील ड्राइव। खास करके बात करें अगर पडलिंग के कामों की, तो कई सारे किसान भाई आज भी टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को केज व्हील लगाते हैं और उसके बाद पडलिंग करते हैं। लेकिन इस कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आई है, जो कि है फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। अब ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की तुलना में कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं, कैसे आपका समय बच सकता है, डीजल बच सकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम देने वाले हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में पडलिंग के कामों में कौन सा वेरिएंट बेहतरीन परफॉर्म करता है। आज हमारे पास टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी है और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी है, और आज हम करने वाले हैं इन दोनों ही वेरिएंट से पडलिंग, और आपको दिखाएंगे कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतरीन पडलिंग कर रहा है, सॉइल कॉम्पैक्शन कम कर रहा है, और दोनों ही ट्रैक्टर्स में कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा एवरेज दे रहा है। तो अगर आपको डाउट है कि टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से ज़्यादा डीजल ले रहा है, तो वो डाउट आज आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं कौन सा ट्रैक्टर बेहतरीन काम कर रहा है। किसान भाइयों, अगर आपके पास फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और आप पडलिंग करना चाहते हैं, तो आपको ट्रैक्टर में ज़्यादा बदलाव नहीं करने हैं। सिर्फ रोटावेटर ट्रैक्टर को अटैच करना है और ट्रैक्टर का फोर व्हील ड्राइव गियर लगा देना है, और आपका ट्रैक्टर तैयार है पडलिंग के कामों के लिए। लेकिन अगर आपके पास टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, तो आपको केज व्हील लगाने होंगे। केज व्हील लगाना बड़ी ही मशक्कत का काम है। आपको खेत तक केज व्हील अलग गाड़ी में लाने पड़ते हैं, वहां पर जाकर आपको वो केज व्हील आपके ट्रैक्टर पर फिट करने होंगे। तो ये किसान भाइयों के लिए काफी बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ऊपर से केज व्हील लगाकर ट्रैक्टर को रोड पर आसानी से नहीं चलाया जा सकता। तो चलिए देखते हैं फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का कमाल। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में चारों पहियों में ताकत है, तो पडलिंग करते वक्त ट्रैक्टर ऊंची नीची सतह वाले खेत में भी आसानी से काम कर सकता है। आगे के टायर्स में ताकत होने के कारण ट्रैक्टर खेत में स्लिप नहीं करेगा और आगे से ऊपर उठने के भी कोई चांस नहीं। यानी आपका काम भी अच्छा होगा और आपके डीजल की भी बचत होगी। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतरीन होता है। ट्रैक्टर कहीं भी फंसता नहीं है, यानी यह सॉइल कॉम्पैक्शन भी कम करता है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में रोटावेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और रोटावेटर में लेवलिंग बोर्ड की मदद से खेत एक समान तैयार होते हैं, जिससे पानी की भी बचत होती है और परिणामतः आपकी फसल भी अच्छी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ने रोटावेटर के साथ मिलकर खेत को कितने अच्छे से तैयार किया है। लेकिन टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में ऊंची नीची सतहों पर ट्रैक्टर फंसने की संभावना काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आगे के पहियों में ताकत नहीं है। अगर ट्रैक्टर कहीं फंसता है, तो पिछले टायर्स स्लिप करने लगते हैं, और ऐसी सिचुएशंस में कई बार ट्रैक्टर आगे से उड़ भी सकता है। अब अगर ऐसा कुछ होता है, तो वहां पर सॉइल कॉम्पैक्शन काफी ज्यादा होता है। वैसे किसान भाई सॉइल कॉम्पैक्शन को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसका फसल उत्पादन पर काफी गहरा असर होता है। आइए इसका एक डेमो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर केज व्हील के साथ चला है, तो नीचे की मिट्टी पर कितना गहरा असर हुआ है। अगर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रोटावेटर के साथ पडलिंग कर रहा है, और आपकी मिट्टी कितनी भी सख्त क्यों ना हो, आपको दोबारा उसी लाइन में ट्रैक्टर चलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये ट्रैक्टर एक ही बार में आपको बेहतरीन उत्पादन के लिए आपका खेत तैयार करके देगा, यानी समय और डीजल दोनों की बचत। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से अच्छे पडलिंग के लिए आपको ट्रैक्टर को ज्यादा देर तक चलाना होगा, यानी आपको एक ही रो में बार बार ट्रैक्टर को चलाना होगा, जिससे आपका समय भी ज्यादा जाएगा और आपका डीजल भी ज्यादा खर्च होगा। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस काफी कम होता है टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स के मुकाबले, यानी छोटे खेतों में भी ऑपरेटर काफी आसानी से काम कर सकता है फोर व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे हम सभी जानते हैं, धान की खेती करते वक्त समय पर बुआई करना बेहद ही जरूरी है। अब अगर आपके पास टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, तो आपको केज व्हील लगाकर काम करना होता है। केज व्हील लगाने पर ट्रैक्टर समानता से काम नहीं करता, आपके खेत जल्दी नहीं तैयार होते, यानी आपका समय और डीजल दोनों ही बेकार जा रहे हैं। लेकिन फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में चारों टायर्स में ताकत होती है, तो किसी भी परिस्थिति में फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रोटावेटर के साथ काम कर जमीन की समानता को बनाए रखते हैं, और हमें फिर से लेवलिंग बोर्ड इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी ट्रैक्टर कम डीजल लेगा,
कम समय में ज्यादा काम भी करेगा, यानी आपका समय बचेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण, आपके खेत की जुताई काफी अच्छे तरीके से होगी। जब फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रोटावेटर के साथ कांस्टेंट आरपीएम पर काम करता है, यानी कम रखरखाव और कम डीजल, तो वहीं टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में आरपीएम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जहां पर ट्रैक्टर स्टक होने लगता है वहां पर हमें आरपीएम बढ़ाने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से इंजन पर लोड रहता है, इंजन की लाइफ भी कम होती है और डीजल भी ज्यादा लगता है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, अब हम करने वाले हैं इस ट्रैक्टर की माइलेज टेस्ट और आपको बताएंगे कि टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में क्या अंतर पड़ता है पेडलिंग करते टाइम। माइलेज टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर माइलेज किट लगाया हुआ है, हर एक किट में 1 लीटर डीजल है। अब हम इसको 5 मिनट चलाएंगे और देखेंगे कि कौन से ट्रैक्टर ने कितना डीजल लिया है। तो अभी हमारा जो कुबोटा है वो 5 मिनट खेत में चल के आ चुका है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने आरपीएम पे चला था, कितने आरपीएम पे चला है अभी ये ट्रैक्टर। 2200। और पीटीओ का आरपीएम क्या था? 540। और गियर कौन सा था? लो थर्ड। ओके, तो अभी हम जानते हैं कि एक्चुअली कितना डीजल इस ट्रैक्टर ने लिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस ट्रैक्टर ने 5 मिनट में तकरीबन 300 ml डीजल लिया है, यानी 1 घंटे का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो होता है 3 लीटर 600 ml। तो अब देखते हैं कि बाकी के ट्रैक्टर्स को कितना डीजल लगता है। मैसिव फर्ग्यूसन 241 ने 4 लीटर 200 ml डीजल लिया है 1 घंटे में, और स्वराज 744 FE ने 4 लीटर 800 ml डीजल लिया है 1 घंटे में। खैर, ये तो हो गई टेक्निकल बातें, अब आपको मिलवाते हैं एक किसान भाई से। माझ्याकडे आधी 45 HP चा जुना ट्रॅक्टर होता, मी 8 वर्षापासून ट्रॅक्टर वापरत आहे, पण धानाच्या शेतीमध्ये ट्रॅक्टर वापरत असताना, टू व्हील ड्राईव्हचा ट्रॅक्टर वापरत असताना मला काही प्रॉब्लेम येत होते, म्हणजे जसा टर्निंगच्या वेळेस आणि खूप भरणाच्या वगैरे असला, पाणी कमी असला तर ट्रॅक्टर चालत नव्हता व्यवस्थित। त्याच्याकरता मी कुबोटा कंपनीचा 4501 हा ट्रॅक्टर घेतला, हा फोर व्हील ड्राईव्ह आहे, फोर व्हील ड्राईव्ह असल्याकारणाने टर्निंगमध्ये याला काही प्रॉब्लेम येत नाही आणि विदाऊट ब्रेकने चिखलमध्ये चालते। ट्रॅक्टरचा जो माइलेज आहे तो बाकी गाड्याच्या तुलनेमध्ये खूप चांगला आहे, बाकी गाड्यांपेक्षा 1/2 लिटर डिझेल कमी लागते या गाडीला, त्याच्यामुळे आपला जे दिवसभराची जी बचत आहे, आज डिझेलचे भाव वगैरे पाहिले आपण तर ते 100% पोहोचले आहेत, त्याच्यामुळे 1/2 लिटरही वाचलं तर दिवसभरामध्ये एक गाडी आपली 8 ते 10 घंटे चालते, त्याच्यामध्ये 5 लिटर जवळपास डिझेल आपला वाचत आहे, म्हणजे जवळपास 500 रुपयाची आपल्याला बचत होते। फोर व्हील ड्राईव्ह असल्याकारणाने याचा टर्निंग रेडियस जो आहे तो लवकर होते आणि फोर व्हील ड्राईव्ह सुरळीतपणे नियमित चालत असते, त्याच्यामुळे झटके मारत नाही आणि झटके मारत नाही म्हणजे ड्रायव्हर थकत नाही, एक ड्रायव्हर 10 ते 11 घंटे स्वतः ट्रॅक्टर चालवू शकतो। तो अब आपने देखा ही होगा कि पेडलिंग के कामों में फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स कितने कमाल के हैं। अगर आप एक 45 हॉर्स पावर की श्रेणी में फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कुबोटा एमयू 4501 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, क्योंकि कुबोटा ट्रैक्टर्स में आपको मिलते हैं बीवेल गियर्स। आइए जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से। बीवेल गियर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो आगे के पहियों को 90 डिग्री में पावर देता है, जो कि पूरा लीक प्रूफ मैकेनिज्म है, यानी आप इस ट्रैक्टर को कितने भी पानी में चलाएंगे तो कोई लीकेज नहीं होगा, फोर व्हील ड्राइव एक्सल को या फिर अंदर के ऑयल को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ये टेक्नोलॉजी भारतीय ट्रैक्टर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो पेडलिंग करते वक्त ट्रैक्टर लगभग आधा पानी में होता है, और अगर ऐसे सिचुएशंस में ट्रैक्टर में लीकेज होगा तो किसान भाइयों को भविष्य में काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा मेंटेनेंस पर। तो आइए जानते हैं बीवेल गियर सिस्टम के कुछ फायदों के बारे में। सबसे जरूरी बात है कि बीवेल गियर की वजह से ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस काफी कम होता है, आगे के एक्सल को 90 डिग्री में पावर मिलती है, तो जो ट्रांसमिशन लॉस है वो बिल्कुल नहीं है, आगे के टायर्स को ज्यादा टॉर्क मिलता है,
तो ट्रैक्टर ऊंची नीची सतह पर काफी आसानी के साथ काम कर सकता है और ट्रैक्टर पर लोड नहीं होता। ट्रैक्टर में कोई लीकेज नहीं है तो आपके ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कम रहता है। यानी कुबोटा MU4501 ट्रैक्टर छोटे छोटे खेतों में आसानी से काम कर सकता है। बीवेल गियर्स के कारण कोई लीकेज नहीं है और हमें प्राप्त होता है ज्यादा टॉर्क। यानी ये ट्रैक्टर पडलिंग के काम कम डीजल में करने के लिए माहिर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में टू व्हील ड्राइव तथा फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से जुड़े जितने भी सवाल थे उनका समाधान आपको मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी श्रेणी के फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स का कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और ट्रैक्टर वीडियो में। जय जवान जय किसान।